पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों पर पुलिस ने चलाई लाठियां। इमरान खान की गिरफ्तारी के विरोध में लाहौर में पीटीआई कार्यकर्ता उतरे थे सड़क पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अमृतसर दौरे पर हैं। वे हरमंदिर साहिब, जलियांवाला बाग और दुर्गियाना मंदिर का भ्रमण करेंगे। चुनाव आयोग की टीम आज से 3 दिन के कर्नाटक दौरे पर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार इस टीम का नेतृत्व करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ करने पहुंची। सिसोदिया दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में जेल में है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को पूछताछ के लिए बुलाया है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय 10 से 31 मार्च तक खेलो इंडिया 10 का दम प्रतियोगिता आयोजित कर रही है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। भारतीय रेल होली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के लिए 196 विशेष रेलगाड़ियों के 491 फेरे चला रहा है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल ने प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की है। कटिहार सेना भर्ती कार्यालय की ओर से अग्निवीरों की बहाली की तैयारी पूरी कर ली गई है। 12 जिलों के उम्मीदवार 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और फिल्म अभिनेता निर्देशक सतीश कौशिक का 66 साल की उम्र में दिल्ली में निधन। सतीश कौशिक को 2 बार बेस्ट हास्य अभिनेता के लिए फिल्मफेयर अवार्ड से नवाजा जा चुका है। अंत में मुख्य समाचार।